इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करूंगा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 और प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 3। ऑलरेडी मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रोजेक्टाइल मोशन के कवर कर चुका हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की कंप्लीट थ्योरी एक्सप्लेन की है, और पार्ट 3 के अंदर जो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा उसके अंदर मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के कंप्लीट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सेक्शन के क्वेश्चंस कवर करूंगा जो कि अपने एयरफोर्स नेवी एग्जाम के अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं तो चीज़ें अच्छे से नहीं होंगी, ना ही क्वेश्चन समझ में आएंगे। सबसे पहले आप प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर को जरूर देखें, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी ऑप्शन ए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो उसकी मैक्सिमम हाइट के 4√3 टाइम्स है। क्लियर, ये हमें सवाल के अंदर गिवन है, तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है थीटा कितना होगा। तो देखो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर, 4√3, और हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बोलो क्लियर। अब देखो आप यहां से मैं साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, यू स्क्वायर 2 साइन ए कॉस ए अपॉन जी, बराबर ये हो जाएगा 4√3 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, देखो ये साइन से साइन खत्म एक, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर फिनिश, और हमारे पास इस जी से जी खत्म, तो हमारे पास बचा क्या, 2 इधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4 cos ऑफ थीटा बराबर 4√3 दैट इज साइन ऑफ थीटा, ये बचा हमारे पास। देखो 4 से 4 खत्म, तो ये cos इधर चला जाएगा तो sin अपॉन cos 10 बन जाएगा, और इधर आ जाएगा 1√3, तो 10 थीटा बराबर कितना आ गया 1√3, तो थीटा क्या आ गया 1√3, मतलब थीटा आ गया 30 डिग्री। क्लियर, तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, ये नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेंज आर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन इट्स मैक्सिमम हाइट आर h1 एंड h2, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड h1 एंड h2। ऑप्शन ए आर इक्वल टू रूट h1 इंटू h2, ऑप्शन बी आर इक्वल टू रूट 2h1 इंटू h2, ऑप्शन सी आर इक्वल टू 2√h1 इंटू h2, ऑप्शन डी आर इक्वल टू 4√h1 इंटू h2। क्लियर, तो देखो हमें सवाल के अंदर दे रहा है कि जो रेंज है वो सेम है। ठीक है, देखो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। किन्हीं दो पार्टिकल को, ठीक है, यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है और रेंज दोनों की सेम आ रही है, तो किस कंडीशन पर रेंज सेम होगी, जब दोनों कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऑलरेडी मैं आपके थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत अच्छे से, रेंज दो पार्टिकल की तभी सेम हो सकती है जब उनके एंगल कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री, एक थीटा हो तो दूसरा कैसा हो, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो रेंज तभी पॉसिबल है एक एंगल थीटा हो आपका और एक क्या हो 90 माइनस थीटा। तो वो थीटा एंगल पर जो हाइट अटेन कर रहा है वो h1 है, और 90 माइनस थीटा पर हाइट अटेन कर रहा है वो क्या है, h2। क्लियर, तो हमसे बोला जा रहा है कि r h1 और h2 में रिलेशन बताओ क्या होगा। ठीक है, तो देखो आप हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर,
ये एच वन, एच टू का फॉर्मूला क्या होगा इसके केस में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह का पुट कर दूंगा मैं, 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करूंगा तो देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, आगे मुझको क्या करना है, एच वन एच टू में अगर ऑप्शन में आप देखें तो ऑप्शन के अंदर जाओगे तो ऑप्शन के अंदर एच वन और एच टू का प्रोडक्ट दे रखा है, तो मुझे हिंट मिल रही है कि मुझे यहां से इन दोनों का क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो देखो आप एच वन इंटू एच टू का क्या कर दो आप, प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू ये रहा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, अब देखो आप, और इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के अंदर हमको हिंट ये भी दे रखा है कि इसका क्या हो रहा है, रूट हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसका रूट कर लेते हैं, जब आप रूट करोगे इसका एच वन इंटू एच टू बराबर क्या आ जाएगा, ये यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g ये होगा। ठीक है, अब एक काम करो, अब मुझे क्या करना है, सवाल के अंदर ऑप्शन के अंदर ये चीज गिवन है, चार ऑप्शन के अंदर रूट एच वन इंटू एच टू बराबर आर, यानी इसको मैं जो कहीं ना कहीं आर के बराबर लेके आना है। ठीक है, तो यहां देखो आप ये क्या निकल के आएगा, दो का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और दो का कर दो नीचे मल्टीप्लाई, तो देखो क्या कंडीशन बन जाएगी, यू स्क्वायर टू साइन ए कॉस ए, ये पूरा क्या बन गया साइन टू ए, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई 4g। और अब इसको देखो आप, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये क्या बन गया रेंज का फॉर्मूला, तो ये क्या आ जाएगा आर बाई फोर, क्या गया ये आर बाई फोर। अब मेरे पास था रूट एच वन इंटू एच टू बराबर आर बाई फोर, आर कितना आ जाएगा 4 रूट एच वन इंटू एच टू, ये आ गया आपका आंसर। तो आई थिंक ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये नोट करो, इसका फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर अ गिवन वेलोसिटी अ प्रोजेक्शन हैज द सेम रेंज, यहां भी रेंज सेम दे रखा है, फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ t1 एंड t2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस, देन ऑप्शन ए t1 इंटू t2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वेयर, ऑप्शन बी t1 इंटू t2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, ऑप्शन सी t1 इंटू t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, ऑप्शन डी t1 इंटू t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। क्लियर है, तो देखो रेंज सेम है, हमें टाइम गिवन एक t1 और एक t2। ठीक है, तो देखो रेंज का जो फॉर्मूला है वो था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर, रेंज सेम है मतलब कब हो सकती है, थीटा और एक 90 माइनस थीटा एंगल से, यानी दोनों एंगल कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन हो, तभी वो रेंज सेम हो सकती है। तो इस थीटा पर वो टाइम t1, इस पर टाइम t2। क्लियर, यानी दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट t1। तो देखो t1 क्या हो जाएगा इस केस के लिए 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, इस केस के लिए t2 क्या हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। क्लियर, तो देखो आप साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी। ऑप्शन को अगर ध्यान से देखो तो हर ऑप्शन के अंदर आपको t1 और t2 का प्रोडक्ट दे रखा है और वो इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शन आर स्क्वायर या आर के है, तो मुझे यहां ऑप्शन से हिंट मिल रहा है कि मुझे t1 और t2 का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। करो प्रोडक्ट, देखो ये t1 इंटू t2 बराबर यह आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी। अब आप देखो मुझे पता है ऑप्शन के अंदर अगर ध्यान से देख रहे हैं तो मेरा प्रोडक्ट तो हो गया, मुझे कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली या इनवर्सली पोर्शनल किसके आएगा, आर के आर स्क्वायर के, मतलब ये कि आर की टर्म में मुझे बनाना है।
ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूं, टू साइन ए कॉस ए, देखो टू साइन ए कॉस ए, ये कितना बन जाएगा साइन टू थीटा, और यू इंटू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, और एक दो टू बचा, तो ये आ जाएगा टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी स्क्वायर जी इंटू जी। क्लियर है? देखो टू साइन ए कॉस ए तो आ गया साइन टू ए, एक बचा ये यू इंटू यू यू स्क्वायर और ए टू। क्लियर? अब एक काम करो, ऐसा करता हूं मैं, इस टू अपॉन जी इंटू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, और देखो ये किसका फॉर्मूला है रेंज का, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी आ गया रेंज, दिस इज रेंज। तो आप देखो यहां से निकल के आएगा ये टी वन इंटू टी टू बराबर टू बाई जी इंटू रेंज आर, टू जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो दोनों कॉन्स्टेंट, तो टी वन टी टू क्या हो जाएगा डायरेक्टली पोर्शन आर, आपका आंसर होगा ये, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टी वन इंटू टी टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये नोट करो, फिर आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गन फायर्स टू बुलेट एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, द बुलेट स्टैक एट सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर द टू बुलेट इज इन द रेशियो। ठीक है, तो देखो गन है, दो बुलेट को फायर कर रही है, एक 60 डिग्री पर और एक 30 डिग्री पर, तो 60 डिग्री वाली और 30 डिग्री वाली की हाइट का हमें रेशियो एक्सप्लेन करना है कितना होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 2:1, 3:1, 4:1 और 1:1। क्लियर? तो देखो ये बुलेट एक गोली को फायर कर रही है 60 डिग्री पर और एक को फायर कर रही है 30 डिग्री पर। ठीक है, इस केस में ये हाइट H1 है और इस केस में हाइट H2 है। ठीक है, हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, यानी H1 बाई H2 कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो देखो H1 इस केस में निकालेंगे हम, तो H1 की वैल्यू आएगी U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है 60 अपॉन 2G। इस केस में जो H2 होगा वो कितना होगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, और थीटा 2 कितना है 30 बाई 2G। अब आप सिंपल देखो, जो हाइट है यहाँ H1 वो भाई जो गन है वो जो फायर कर रही होगी कुछ ना कुछ बेक से तो फायर कर रही होगी, और दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो देखो आप ये यू स्क्वायर ये कांस्टेंट होगा 2, और जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, तो देखो ये पूरा सिस्टम क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, यानी यू 2G ये पूरा क्या होगा कांस्टेंट, कुछ ना कुछ स्पीड होगी 2 भी कांस्टेंट है, जी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी कांस्टेंट। तो अगर डायरेक्टली आप यहां से फील करना चाहो तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन स्क्वायर 60 डिग्री और H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी यहां से। तो आप देखो H1 बाई H2 कैलकुलेट कर दो सिंपल, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा 1/4, 4 से 4 खत्म, आंसर कितना आ गया 3:1। क्लियर है? तो आपका आंसर आया 3:1, आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर सेम, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों इक्वल हैं तो हमसे निकलवा रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, यानी प्रक्षिप्त कोण क्या होगा। ऑप्शन ए 30 डिग्री, 76 डिग्री, 50 डिग्री और 90 डिग्री। इसका आंसर जनरली हमें डायरेक्ट याद रखना चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, फिर तब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें जो रेंज है और हाइट है यानी मैक्सिमम हाइट दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, ये कंडीशन है, तब हमसे थीटा निकलवा रहा है कितना होगा। तो देखो
रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। हमें थीटा निकालना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो देखो जी से जी खत्म, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा टू साइन टू थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, सॉल्व कर लो। टू साइन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन टू ए को साइन ए, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं साइन टू ए को टू साइन ए कॉस ए बराबर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो साइन से साइन खत्म, ये क्या आ जाएगा फोर कॉस ऑफ थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस इधर चला जाएगा तो फोर क्या बचा टेन थीटा। तो देखो यहाँ से थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स फोर, और टेन इनवर्स फोर की जो वैल्यू होती है वो होती है 76 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई थिंक आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद होना चाहिए। पहली बात तो कि मैक्सिमम हाइट और रेंज अगर दोनों इक्वल हैं तो किस एंगल पर इक्वल होंगी, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहा होगा। तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहा होगा टेन इनवर्स फोर, और टेन इनवर्स फोर की वैल्यू क्या है 76 डिग्री। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली इफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ बोथ इज इक्वल। अगर दो प्रोजेक्टाइल हो रहे हैं, एक को प्रोजेक्ट किया जाता है 30 डिग्री से और एक को किया जाता है 60 डिग्री से, ठीक है, दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है। ठीक, तो हमसे बोल रहा है देन द प्रपोर्शन ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी विल बी, ठीक है, यानी जो प्रारंभिक वेगों का अनुपात होगा, ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 3:3, ऑप्शन सी 3:5, ऑप्शन डी 3:1। क्लियर, तो देखो सवाल के अंदर जो एंगल है, एक तो दे रखा है आपको 30 डिग्री और एक आपको दे रखा है 60 डिग्री। क्लियर, ठीक है, और बोल रहा है इस केस में जो हाइट है वो क्या है h1 और इस केस में हाइट क्या है h2, और एक ऐसी है मैक्सिमम हाइट और दोनों क्या है इक्वल। इसकी स्पीड जब हमने प्रोजेक्ट किया होगा, मान के चलो वो u1 रही होगी और इसकी स्पीड u2 से हमने इसको प्रोजेक्ट किया होगा, तो मुझसे बोल रहा है कि u1 और u2 का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शंस आपको गिवन है। देखो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, जब थीटा 130 होगा तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g बराबर h2 कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/2g। इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है और इस केस में कितनी है u2। अब आप देखो 2g से 2g खत्म, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। अब आप देखो यहां से आ जाएगा ये u1 का स्क्वायर, u2 आ जाएगा नीचे, u2 का स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा 2/, ये आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा 1। क्लियर, अब आप देखो सिंपल ये आ जाएगा u1 बट्टे u2 बराबर साइन थीटा 2/ साइन थीटा 1, क्योंकि दोनों तरफ रूट ले लिया है, तो थीटा 2 कितना है 60, तो ये आ जाएगा साइन 60/ थीटा 1 कितना है 30, ये आ जाएगा साइन 30, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 से 2 खत्म, तो बचा कितना √3:1। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल और थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन बोल रहा है कि टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन विद द सेम स्पीड बट एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। कोई दो प्रोजेक्टाइल हैं, सेम स्पीड के साथ थ्रो किए जा रहे हैं लेकिन एंगल उनके डिफरेंट है, एक का 40 डिग्री है और एक का 50 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल, विच प्रोजेक्टाइल विल फॉर अर्लियर, यानी कौन सबसे पहले गिरेगा। ऑप्शन ए गिरेगा, यानी जिसको हमने 40 डिग्री से थ्रो किया है। ऑप्शन बी
बी गिरेगा यानी इसको हमने 50 डिग्री से थ्रो किया है, ऑप्शन सी बोथ विल फॉल एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर गिरेंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि नहीं, दो ऑब्जेक्ट को दो प्रोजेक्टाइल किए जा रहे हैं सेम स्पीड पर लेकिन एंगल है उनके डिफरेंट, ठीक है, तो कौन सा सबसे पहले गिरेगा? तो आप लॉजिकली देखो मुझे यहां पे क्या लगाना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले कौन गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो आप टाइम ऑफ फ्लाइट लगा दो, क्या हो जाएगा, 2u sin θ/g। एक एंगल दे रखा है थीटा वन मानो वो है आपका 40 डिग्री और थीटा टू आपको गिवन है 50 डिग्री, दोनों की स्पीड सेम है, मान के चलो इसकी भी यू है और इसकी भी स्पीड यू है, ये ए वाली बॉडी है और ये बी वाली बॉडी है, क्लियर। अब आप देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यू भी कांस्टेंट, तो जो टी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर ही तो डिपेंड कर रहा है, यानी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर, क्योंकि देखो जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टू एक कॉन्स्टेंट वैल्यू और यू भी किसी स्पीड से थ्रो कर रहा होगा वो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो टी किस पर डिपेंड कर रहा होगा, साइन थीटा पर। अब आप देखो जिसका थीटा ज्यादा होगा, थीटा ज्यादा होगा तो वो उतना ही ऊपर जाएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लेगा, ज्यादा, यानी धरती पर आने में क्या लेगा, समय ज्यादा। लेकिन आप देखो जिसका थीटा होगा कम, थीटा अगर कम होगा तो वो अर्थ की सरफेस पर क्या आएगा, जल्दी, तो यानी धरती पर कौन गिरेगा, जिसका एंगल क्या होगा, कम। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, जिसका एंगल कम यानी थीटा 40 डिग्री, यानी बॉडी ए सबसे पहले धरती पर आएगी, सबसे पहले गिरेगी धरती पर आके, ये बात क्लियर है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है अ क्रिकेट बॉल इज हिट एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद अ काइनेटिक एनर्जी के, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, ऑप्शन ए के के बाई टू, जीरो, ऑप्शन डी के साइन 45। तो देखो एक क्रिकेट बॉल है और इसको 45 डिग्री से हिट किया जा रहा है, ठीक है, विद काइनेटिक एनर्जी के, हमसे बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास 45 डिग्री से मैं इसको बॉल को हिट कर रहा हूं, ठीक है, और ये वो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट पर दो टाइप की वेलोसिटी होगी, एक तो वर्टिकल वेलोसिटी, वो कितना है वी वाई, वो होगा आपका जीरो, और एक क्या होगी इस पर यूएक्स, और यूएक्स की वैल्यू कितनी है यू कॉस ऑफ थीटा, क्लियर। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो जीरो होगी, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यू स्पीड से थ्रो कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, क्लियर। अब टॉप पर मैक्सिमम पॉइंट पर कौन सी स्पीड होगी, क्योंकि वर्टिकल तो जीरो हो गई, कौन सी वेलोसिटी होगी, एक्स डायरेक्शन वाली यू एक्स, हॉरिजॉन्टल मोशन वाली, तो यू की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एक्स यू एक्स, और यू एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉस ऑफ थीटा। तो देखो आप हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दो। अब आप देखो हाफ एम यू स्क्वायर ये क्या है, के, काइनेटिक एनर्जी मान लो, इसको के मान लेता हूं, तो ये कितना है के, तो ये आ गया के इंटू कॉस स्क्वायर। अब थीटा कितना है, 45 से आप उसको हिट कर रहे हो तो कॉस स्क्वायर 45, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, K/2, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम पॉइंट पर K/2 होगी, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक, ये नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल देन
इट्स रेंज इज 1.5 किलोमीटर। जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो 15 डिग्री से, तो वो जो रेंज है उसकी 1.5 किलोमीटर है। अब बोल रहा है इफ इट प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल देन द रेंज विल बी। अब रेंज क्या होगा जब आप इसको 45 डिग्री से थ्रो करोगे? तो ऑप्शन ए 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर, ऑप्शन डी 0.75 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो सवाल ये है कि जब आप उसको 15 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हो तब वो कवर कर रहा है 1.5 किलोमीटर। अब बोल रहा है अगर उसी को मैं अगर 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करूं तो अब रेंज क्या होगी? उसको मान रहा हूं मैं R2 और इसको क्या मान रहा हूं मैं R1। क्लियर, अब रेंज क्या होगी वो हमें निकालना है। ऑप्शन आपको गिवन है, तो देखो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हमें रेंज और एंगल के बीच में रिलेशन निकालना है, सिंपल। तो देखो आप रेंज और एंगल के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, ये साइन 2 थीटा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन 2 थीटा। क्लियर है, यानी एंगल और रेंज के बीच का रिलेशन ही तो दे रखा है। अब आप देखो सिंपल इसको लिख दो, R2 अपॉन R1 बराबर साइन 2 थीटा 2 बाई साइन 2 थीटा 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो R2 मुझे निकालना है तो R1 उधर चला जाएगा, तो R1 into साइन 2 थीटा 2 बाई साइन 2 थीटा 1। अब देखो थीटा 2 कितना है 45, थीटा 1 कितना है 15, तो कर दो आप, तो R1 की वैल्यू कितनी है 1.5, तो वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा 1.5 into साइन थीटा 2, थीटा 2 बोले तो 45 अपॉन थीटा 1 बोले तो 15 डिग्री, तो 45 इंटू 2 इंटू साइन 2 इंटू 15 डिग्री। तो देखो ये आ जाएगा 1.5 इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और 15 दूनी 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 किलोमीटर। यानी जब आप उसको 15 डिग्री से थ्रो कर रहे हैं तब उसकी जो रेंज है वो 1.5 किलोमीटर है, लेकिन अगर उसी को 45 डिग्री से आप थ्रो कर रहे हैं तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर। क्लियर है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, और इतने ही सफिशियंट, आप प्रैक्टिस करते रहें इन्हीं क्वेश्चंस को, अगर आप बार बार रिपीट करोगे, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो भी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, और भी अगर आपके पास कोई बुक है उसको लगाएं और उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब मैं इसके बाद जस्ट आपको सर्कुलर मोशन कराऊंगा। ठीक है, तो तब तक वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन।